गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरु जी में। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2020 और हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर 10 मिनट में आपको 10 महत्वपूर्ण जो CA हैं वो आपसे अपडेट करवाए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके डेली करंट अफेयर्स के मामले में। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने देखिए ओपन हो चुका है, ये पूरा आपका पेज करंट अफेयर का आज के 24 अक्टूबर 2020 का। और देखिए, पॉइंट नंबर 1 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने कमीशनड एंटी सबमरीन वेलफेयर शिप INS कावारत्ती इनटू द इंडियन नेवी एट द नवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। जो सेना प्रमुख जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवने ने, उन्होंने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर डिजाइन बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC द्वारा डिज़ाइन किए गए खादी कपड़े से बने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले फूट वियर का यहाँ पे शुभारंभ किया है। तो खादी का इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो खादी के अब यहाँ पे शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या है, द 6th edition ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF की बात कर रहे हैं 2020 का, विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम December 22 to 25, यानी 22 से 25 दिसंबर तक हेल्ड हुआ है आपका। और देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर ने ये बात कही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है ये कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का आयोजन डिजिटल तरीके से 22 से 25 दिसंबर तक होगा और यह आपका 6th महोत्सव है। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपके सामने, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट रतन लाल कटारिया लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जियो टैगिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम PMKSY AIBP ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ WRRD एंड GR एंड अंडर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अगर केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी ने यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के तहत WRRD, RND एंड GR के अंडर में आपका ये विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के घटकों को जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया है। और पॉइंट नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है आपका, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एडाप्टेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो ये भी काफ़ी दोस्तों अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर पंचायती राज जो अधिनियम है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पंचायती राज एक्ट 1989, उसको जारी करने के लिए जम्मू कश्मीर में मंजूरी दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 देखिए आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर 60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ग्रीन फील्ड हाईवे विल बी कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान अंडर द भारतमाला परियोजना टू इंश्योर हाई स्पीड ट्रैफिक मूवमेंट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जल्दी तय करने के लिए यहाँ पर देखिए भारतमाला परियोजना, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले भारतमाला परियोजना क्या है, तो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जो है उसको जल्दी तय करने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड राजमार्ग के 60 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण जो है राजस्थान में किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 देखिए आपके सामने क्या है, पॉइंट नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, इंडिया असिस्टेड मंगदेछू
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्रूनल मेडल फॉर एक्सेलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग बाय द यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर भूटान की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर, कि भूटान को ये पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भूटान की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और भूटान की राजधानी को आप कमेंट कर दीजिए। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी परफॉर्म्ड ए वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर ए टेक पार्क कमिंग अप इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये है विजय रूपानी जी, उन्होंने मेहसाना जिले में एक प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए शिलान्यास किया है और इस पर 1000 करोड़ रुपए की लागत लगाई है, और जिसका पूरा खर्च यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है। काफ़ी अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की, तो ये देखिए प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए शिलान्यास किया और इस पर 1000 करोड़ रुपये की जो लागत आएगी उसको वो मेंटेन करेगी। पॉइंट नंबर देखिए 9 क्या है, द रिजर्व बैंक अनाउंस्ड एन ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO स्कीम ऑफ अप टू 1,00,000 करोड़ टू इनेबल बैंक्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू ए होस्ट ऑफ सेक्टर। रिजर्व बैंक ने बैंकों की दर पर 1,00,000 करोड़ रुपये तक की दीर्घकालिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन TLTRO योजना की बुधवार को घोषणा की है। पॉइंट नंबर 10 देखिए आपके सामने क्या है, द थर्ड फेज ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM विल किक स्टार्ट इन जनवरी टेकिंग कंप्यूटिंग स्पीड ऑफ अराउंड 45 पेटाफ्लॉप्स, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेड। अगर दोस्तों हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो उसमें देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी में होगी, जो कि कंप्यूटिंग गति को लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स के पास, और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट नई जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।